दोस्तों यूट्यूब में ये सर्च कीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा जो भी आपको समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, आज आपको हम 300 वाट का इन्वर्टर ट्रांसफार्मर डाटा कैसे निकालेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, 300 वाट आपको मालूम है, तो 300 वाट अगर आपको मालूम है तो इसमें प्राइमरी की सेकेंडरी की वायर कैसे लेंगे इसके बारे में, कोर एरिया कैसे लेंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग ट्रांसफार्मर निकालने से पहले हम लोग को चार पांच बातें याद रखनी पड़ती है। WS यानी कि सेकेंडरी वाटेज, ठीक है, CA कोर एरिया, उसके बाद में प्राइमरी वाटेज यानी कि वाटेज प्राइमरी वाटेज, और उसके बाद में प्राइमरी एम्पियर, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको IP लिखते हैं लेकिन हम लोग प्राइमरी एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में TPB, उसके बाद में नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न NP, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी। तो दोस्तों आपको ये याद रखना होगा, हिसाब से आप ट्रांसफार्मर का डाटा कोई भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम है इसकी वाटेज कितनी है और ये वाटेज जो है कौन सा है, सेकेंडरी वाटेज है। तो सेकेंडरी वाटेज 300 वाट है। तो दोस्तों हम लोग इसको ऑपरेटिंग कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग करेंगे हम लोग 12 वोल्ट से, ये 12 वोल्ट से करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, एम्पियर निकालने के लिए मैंने पहले सूत्र बता चुका हूं, इसको हम लोग 12 वोल्ट से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें आ जाएगा कितना दोस्तों, इसकी एम्पियर आ जाएगी 25 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है, 25 एम्पियर आ जा रही है, ठीक है, इसकी सेकेंडरी जो है 25 एम्पियर की है। अब हम लोगों को इसमें निकालना है इसकी कोर एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 300 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 300 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 300 स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसमें आपका आ जाएगा 17.32। तो दोस्तों अब हम लोग इसको निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला जो बताया था मैंने, तो हम लोग 17.32 में हम लोग डिवाइड कर देंगे 5.58 से, बराबर निकल जा रहा है कितना, बराबर निकल जा रहा है इसमें डिवाइड कर देंगे 5.58 से, इसकी बराबर आ जाएगी कितनी, 3.10, यानी कि इसकी कोर एरिया आ रही है 3 square inch, ठीक है, 3 square inch ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप 3.5 भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 इसमें निकल रही है। अब इसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, TPB निकालना है। तो TPB निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, TPB निकालने के लिए हम लोग करेंगे 7.5 जो कि फॉर्मूला है, और हम लोग यहाँ पे कोर एरिया ले लेंगे 3, तो कितना निकल जाएगा दोस्तों, 7.5 डिवाइड 3 बराबर 2.5, यहाँ पे 2.5 इसकी TPB आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब यहां तक हम लोग निकाल लिया, अब है नंबर ऑफ प्राइमरी। तो प्राइमरी के हम लोग क्या लेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 220 वोल्ट जो कि इसकी प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी इसकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2.5 इसमें है ऑलरेडी, और हम लोग 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितनी आ गई है, 550 इसकी प्राइमरी टर्न प्राइमरी रहेगी, ठीक है। और 2.5 मल्टीप्लाई आपकी 12 वोल्ट से करना है इसको ऑपरेटिंग, तो 12 वोल्ट ले लेंगे, बराबर कितनी हो जाएगी, 2.5 मल्टीप्लाई 12 बराबर, यानी कि इसमें जो टर्न्स आ जाएगा आपका 30 टर्न आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां तक हम लोग समझ गए, अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे मैं एक ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है,
और ये सेकेंडरी डायग्राम हो गया, ये हो गया 12 0 12। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम लोग वायर कौन सा लेंगे, इसके लिए सेकेंडरी में है 25 एम्पीयर का वायर। तो दोस्तों इसमें क्या है 12 0 12, यानी कि जीरो, अगर 0 12 रहता है तो हम लोग यहाँ 25 एम्पीयर का वायर लेते, तो 25 एम्पीयर का वायर लेंगे। अगर डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे वायर आ जाएगा, आप 11 नंबर का वायर आ जा रहा है, ठीक है, और इसमें 11 नंबर का तार आ जा रहा है। तो दोस्तों इसमें 11 नंबर का हम लोग 25 एम्पीयर लेंगे और यहाँ 25 एम्पीयर लेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 50 एम्पीयर का हो जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे 50 एम्पीयर का हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे, यहाँ पे वायर हो जाएगा आपका 11 12 13 14, हम लोग यहाँ पे 14 नंबर का तार लेंगे, ठीक है, यहाँ 14 नंबर का हम लोग तार लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 14 तार लेंगे, तो यानी कि 14 नंबर में 12.5 एम्पियर ड्रॉ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 12.5 12.5 यानी कि 25 एम्पियर आपका यहाँ पे कॉम्प्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 25 नंबर तार लेंगे और इसके जो टर्न्स रहेंगे ये 30 टर्न रहेगा और ये 30 टर्न रहेगा, ठीक है। यहाँ हम लोग सेकेंडरी कर लिए मालूम, अब हम लोग प्राइमरी जो है कि इसमें वायर कौन सा लेंगे इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों प्राइमरी की वाट क्या है इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों प्राइमरी वाट जो होती है इसकी हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है, इसकी प्राइमरी की एम्पियर क्या होगी 100, ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के लिए तो 300 × 100 / 90 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि 333 वाट की ये हो जाएगी, ठीक है। या फिर एक और फॉर्मूला है इसका निकालने के लिए, दूसरी फॉर्मूला है 300 / 0.90 एफिशिएंसी लेंगे तो आपकी सेम। तो अब इसकी वाट इतनी आ जा रही है तो आप क्या करेंगे, थर्टी थ्री 333 वाट डिवाइड 220 वोल्टेज, इसमें आपकी आ जा रही है एम्पियर जो हो जा रही है, इसकी एम्पियर हो जा रहा है 1.5 एम्पियर प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी 1.5 एम्पियर है तो इसके लिए हम तार कौन सा लेंगे, तो तार इसके ले लेंगे 1.5 का हिसाब से 1.5 ले लेंगे, तो आप इसमें वायर आ जाएगा आपका 23 नंबर का तार ले सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे 23 SWG आ जाएगा, यहाँ पे तार ले सकते हैं। और 220 वोल्ट के लिए यहाँ पे टर्न्स देख रहे हैं आप, 220 वोल्ट के लिए यहाँ पे रहेगा, 220 वोल्ट के लिए यहाँ पे रहेगा 550 टर्न, ठीक है, और 0 वोल्ट के लिए 0 टर्न्स यहाँ रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे अगर निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई, 140 वोल्ट निकालेंगे आप चार्जिंग के लिए 2.5 TPB से, तो यहाँ पे देखिए कितना निकल जा रहा है 2.5 × 140 वोल्ट, बराबर 350। अगर मान लीजिए 140 के लिए निकालना है आपको तो यहाँ पे निकालेंगे आप 350 टर्न, ठीक है, और 260 वोल्ट के लिए निकालेंगे आप, 250 वोल्ट के लिए निकालेंगे आप मल्टीप्लाई 2.5 625 टर्न, यहाँ पे आपको आ जाएगा 625 टन यहाँ पे आपको लपेटना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग, ऐसे आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, ये 0 वोल्ट 0 टन
टर्न्स हो जाएगा और ये आपका 30 टर्न होगा और ये आपका 30 टर्न होगा, ठीक है, जो कि इसमें 14 नंबर का तार रहेगा, ये 14 नंबर का तार रहेगा SWG, ठीक है, और इधर में आपका हो जाएगा ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होगा और इधर में आपका रहेगा ये कोर नंबर रहेगा कोर जो था कोर एरिया था इसका एरिया कोर एरिया था तीन था तो तीन के हिसाब से हम लोग लेंगे चार नंबर लेंगे और इसकी साइज जो रहेगी 2 इंच तो हो जाएगा आपका 1.5 इसकी जो लंबाई होती है और चौड़ाई 2 इंच बराबर 3 इसकी कोर एरिया आ जानी है, ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग ले लेंगे इसके। और प्राइमरी जो है आपका 140 वोल्ट के लिए, ठीक है, 140 वोल्ट के लिए इसमें 350 टर्न रहेगा, ये 0 वोल्ट 0 और यहाँ पे आपका 220 वोल्ट के लिए 550 टर्न ठीक है रहेगा 220 वोल्ट के लिए और यहाँ पे 250 वोल्ट के लिए 625 रहेगा टर्न्स, ठीक है, ये वोल्ट हो गया और 300 वाट ट्रांसफार्मर डाटा है ये। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का डाटा पूरा कंप्लीट हुआ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग बहुत पसंद आया, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।